आप में से बहुत सारे यूजर्स ने मुझसे पूछा था कि हम अगर गेम्स को खरीदे क्यों, इन गेम्स को खरीदने के लिए हमें कभी कभी 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, इवन 4,000 रुपये तक देना पड़ सकता है या फिर उससे ज़्यादा, तो हम इतना पैसा आकर दे क्यों? इससे अच्छा तो यही है कि हम किसी गेम का कोई एक क्रैक एडिशन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगर आप गेम को खरीदते हो उस पे भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है गेम को, और यहाँ पे अगर आप किसी गेम का कोई एक क्रैक एडिशन लेते हो तो उसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ऊपर से यहाँ पे जो ये क्रैक एडिशंस है ये कभी कभी काफ़ी कॉम्प्रेस्ड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्यों एक गेम को खरीदें? यहाँ पे पैसे भी लग रहा है, इंटरनेट भी जा रहा है, तो हम ऐसा करें क्यों? तो ये पे अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको पायरेटेड गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका एक्चुअल रियलिटी क्या है ये शायद आपको नहीं पता। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पायरेटेड गेम्स जो है ये कैसे यहाँ पे अपना बिजनेस चलाती है। पायरेटेड गेम्स कहना गलत होगा, जो भी पायरेटेड गेम्स को यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, और यहाँ पे किस किस तरीके से आपके कंप्यूटर के लिए ये खतरे की बात है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमोजीत, आप देख रहे हैं गीकी सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारे कंप्यूटर्स के लिए या फिर गेमिंग कंसोल्स के लिए जितने भी गेम्स अवेलेबल हैं इनमें से ज़्यादातर गेम्स को हमें पैसे देके खरीदना पड़ता है, वो फ्री में नहीं आता है। यहाँ पे कुछ तरह तरह के मेंबरशिप ऑब्वियसली होते हैं जहाँ पे महीने में आपको 2 गेम फ्री में दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेंबरशिप है, पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब भी कोई गेम आपको खेलना है उस गेम को आपको पैसे देके पहले खरीदना होता है, उसके बाद उस गेम को आपको खेलना होता है। पर हमारे कंप्यूटर्स के लिए सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमारे जैसे जो यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं कि गेम की जो क्रैक एडिशंस हैं वो डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको खेलते हैं। अब जैसे यहाँ पे किसी गेम की कोई एक क्रैक एडिशन अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हो, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। बहुत सारे तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता हूँ। पर हाँ, यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ केसेस में कुछ गेम्स आपको फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं जो कि लीगल हैं, पूरी तरीके से लीगल हैं। कैसे? यहाँ पे कुछ दिनों पहले शायद आपने सुना होगा कि एपिक गेम्स के ऊपर GTA 5 की अल्टीमेट एडिशन वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। कुछ दिनों के लिए वो ऑफर था, वो एक स्पेशल प्रमोशन ऑफर था, तो कुछ टाइम के लिए ऐसे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाते तरह तरह की जगह पे। यहाँ पे तरह तरह के जो यहाँ पे डिजिटल गेम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं वो यहाँ पे ऐसे ऑफर्स रखते हैं। इसी के साथ GTA 5 के साथ साथ ही रिसेंटली एक इवेंट हुआ था यूबीसॉफ्ट की तरफ से, जहाँ पे वॉच डॉग्स 2 फ्री में दिया जा रहा था। इससे पहले वॉच डॉग्स 1 को भी कुछ इसी तरीके से फ्री में दिया गया था। तो ऐसे तरह तरह के सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे ये जो गेम्स हैं इनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनको हम प्रमोशन ऑफर जनरली बोलते हैं। यहाँ पे हम जैसे जो गेमर्स हैं उसको प्रमोशन ऑफर्स बोलते हैं। तो इनका कहानी अलग है, पर पायरेटेड गेम्स की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो फ्री में गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको तरह तरह के गेम्स देखने को मिल जाएंगे, शायद हज़ारों में या फिर लाखों में गेम्स होंगे। ये सारे गेम्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये गेम्स तो फ्री है नहीं, पर ये वेबसाइट्स आपको फ्री में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कुछ ना कुछ झोल यहाँ पे ज़रूर है। आइए अब इन्हीं के ऊपर बात करते हैं कि एग्जैक्टली सिनेरियो कैसे बनता है, कैसे इन वेबसाइट्स को प्रॉफिट होता है, और कैसे जो ये हैकर्स हैं जिन्होंने भी इन गेम्स को हैक किया है, इन गेम्स को हैक करके फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी ये हैकर्स हैं इनको कैसे प्रॉफिट होता है, आइए इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है एड सिस्टम। यहाँ पे जो ये वेबसाइट्स है जो फ्री में गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन वेबसाइट्स के ऊपर अपने तरह तरह के एड्स देखे होंगे, यहीं से इन वेबसाइट्स का धंधा चलता है। पर जो हैकर्स हैं जिन्होंने इन गेम्स को हैक किया है, इनका धंधा किसी और ही तरीके से चलता है। बेसिकली यहाँ पे हैकर्स क्या करते हैं कि गेम्स की फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ पे इन फाइल्स के साथ कभी कोई मैलिशियस प्रोग्राम ऐड कर देते हैं, या फिर कभी कोई माइनिंग सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं, या फिर तरह तरह के वायरसेस को ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब भी कोई एक यूज़र इन गेम्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है तो उनके सिस्टम में भी इस तरह के जो फालतू के चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर एक यूज़र के सिस्टम में यहाँ पे माइनिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई एक मैलिशियस प्रोग्राम या फिर कोई फालतू की चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में यूज़र को पता भी नहीं चल पाता है। अगर वो चाहे भी कि टास्क मैनेजर से मैं देखूं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो भी उसको पता नहीं चलेगा। और बहुत बार ये जो मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं वो एंटीवायरस को भी चकमा दे देते हैं। क्या होता है कि जो ये गेम्स हैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि ये जो फाइल है इसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए इस बटन पर क्लिक कीजिए,
और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो गेम की जो सेटअप है वो खुद ही डाउनलोड कर लेता है। जो सेटअप प्रोग्राम खुलता है ना, जिससे गेम इंस्टॉल होने लगता है, वही यहाँ पे उन फाइल्स को डाउनलोड कर लेता है। अब कौन से वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं दिखाया जाता है। तो इससे ऑब्वियसली सिस्टम के लिए खतरे की बात है। यहाँ पे तरह तरह के माइनिंग सॉफ्टवेयर्स या फिर कोई मैलिशियस प्रोग्राम्स वगैरह आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो ही सकता है। अब माइनिंग सॉफ्टवेयर्स का क्या यहाँ पे सीन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि ऐसे यूजर्स के सिस्टम में जो माइनिंग सॉफ्टवेयर्स है इंस्टॉल हो जाते हैं, इन माइनिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ तरह तरह के क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग की जाती है, जिससे जो हैकर है वो यहाँ पे मोटी रकम कमा लेता है इन क्रिप्टो करेंसीज के जरिए। अब यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है, उस यूज़र का। पहले तो उसका बिजली के बिल पर असर पड़ेगा, दूसरा उसके सिस्टम के रिसोर्सेस ऑक्यूपाई हो रहा है, उसका सिस्टम स्लो पड़ रहा है। अब बिजली का बिल कैसे अफेक्टेड होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो ये माइनिंग सॉफ्टवेयर से आपके सीपीयू के ऊपर या फिर जीपीयू के ऊपर जोर देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन सीपीयू या फिर जीपीयू की पावर को यूज़ करके जो ये माइनिंग सॉफ्टवेयर्स है वो माइनिंग करते हैं, जिससे उस हैकर की प्रॉफिट होती है। अब जैसे ही यहाँ पे सीपीयू या फिर जीपीयू के ऊपर जोर पड़ेगा, उसका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। जी हाँ, उसका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा और ऐसे ही आपका बिजली का बिल भी अफेक्टेड होगा, आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो दो तरह से आपका नुकसान हो रहा है, एक तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, दूसरा आपका सिस्टम की जो पावर है वो भी वेस्ट हो रहा है और सिस्टम की लाइफ भी ऑब्वियसली अफेक्टेड हो रहा है। क्यों, अब आपको डर लग रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको आगे जो चीज़ें बताऊँगा वो आपको ज़रूर डराएगा। यहाँ पर शायद आपने रैंसमवेयर अटैक का नाम सुना है। जी हाँ, पायरेटेड गेम्स के जरिए कंप्यूटर्स के ऊपर रैंसमवेयर अटैक भी की जाती है। यहाँ पे एक सिनेरियो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई एक वेबसाइट से, कोई एक एरागेरा वेबसाइट से अपने 2000 का गेम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया और उसको आप खेलना शुरू कर रहे हो और इस टाइम पे आपको काफ़ी मज़ा आएगा कि मैंने 2000 का गेम डाउनलोड कर लिया है, उसको फ्री में डाउनलोड कर लिया और मैं उसको अब खेलने वाला हूँ। अब जैसे ही आप उस गेम को खेल के अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे, वैसे ही आपके सामने एक ऐसा मैसेज शो होगा जहाँ पे आपसे फिरौती मांगी जाएगी। आपका जो डेटा है उसके बदले में यहाँ पे फिरौती मांगी जाएगी, आपसे एक मोटा रकम लिया जाएगा आपके डेटा के बदले में। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो यूज़र्स की डेटा होती है इनको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और जो डिक्रिप्शन की होती है वो हैकर्स अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप उन हैकर्स को फिरौती दोगे, वैसे ही आपको यहाँ पे डिक्रिप्शन की मिल जाएगी, ऐसा कहा जाता है। पर जनरली हैकर्स और डिक्रिप्शन की आपको नहीं देते हैं, और अगर देते भी है तो ठीक है, यहाँ पे आपसे मोटा पैसा लिया जाता है। और अगर आप एक टाइम लिमिट के अंदर उनको पैसा नहीं देते हो, यहाँ पे जनरली बिटकॉइन पे पैसा देना पड़ता है, अगर आप पैसा नहीं देते हो तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो नष्ट कर दिया जाता है। सिंपल सा फंडा है, यही है रैंसमवेयर अटैक और कुछ नहीं। तो ऐसी भी चीज़ें होती है पायरेटेड गेम्स के साथ। इन पायरेटेड गेम्स के साथ हैकर्स की जो तीसरी कोशिश रहती है वो है बॉटनेट क्रिएट करना। बेसिकली बॉटनेट इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स के द्वारा बनाया हुआ एक नेटवर्क है, जिससे हैकर्स लार्ज स्केल में अपना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे सकता है। तो अगर कोई आपके कंप्यूटर को यूज़ करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो वो तो सही बात नहीं है। अब इन सब से आपको फ्यूचर में क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है ये तो आपको भी नहीं पता। यहाँ पे एक और चीज़ शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई पायरेटेड गेम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो उस गेम की जो सेटअप विंडो है वो आपको ये बताता है कि आप अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को डिसेबल कर दीजिए, वरना यहाँ पे गेम ठीक से इंस्टॉल नहीं होगा। ये बेसिकली एक ट्रिक है। जी हाँ, ये एक ट्रिक है ताकि आपके सिस्टम में मैलिशियस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जा सके। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एंटीवायरस प्रोग्राम को डिसेबल कर देते हो तब क्या होगा ये तो उस हैकर को ही मालूम। अगर आप एंटीवायरस को डिसेबल नहीं करते हो तो भी आप देखते हो, आपने शायद देखा होगा कि जैसे ही आप गेम को इंस्टॉल करना कंप्लीट करते हो तो गेम चलता नहीं है, कोई एक फाइल एंटीवायरस ने डिलीट कर दिया। तो ऐसा भी होता है। तो एंटीवायरस ने उसको क्यों डिलीट किया, ऐसे तो डिलीट नहीं किया होगा, बहुत बार गलती से होती है, वो चीज़ अलग है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है अपने एंटीवायरस के ऊपर, आप वो भी उस वीडियो को जाके देख सकते हो। यहाँ पे जनरली मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब भी एंटीवायरस को एक फाइल को डिलीट करता है, किसी एक फाइल को डिलीट करते हैं जब भी, मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो इन्फेक्टेड होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी कोई एक एंटीवायरस प्रोग्राम एक फाइल को डिलीट करता है। और जैसे ही ऐसा होता है कि आपने गेम को इंस्टॉल किया और वो गेम नहीं चल रहा है, कोई एक फाइल एंटीवायरस ने डिलीट कर दिया, तब कैसा लगता है कि मैं एंटीवायरस को बंद करके इस गेम को इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा। ये बहुत ही डेंजरस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मानना है या फिर नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। पर जब भी आप किसी रिप्यूटेड वेबसाइट से कोई एक गेम को परचेस करते हो, अगर कोई एक डिजिटल कॉपी आपने परचेस किया है, तो इसका जो सेटअप फाइल होगा वो आपको कभी भी ऐसा नहीं बताएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी आप कोई एक गेम को परचेस करके उसको इंस्टॉल करते हो, तब एंटीवायरस प्रोग्राम कभी भी उस गेम की कोई भी फाइल डिलीट नहीं करता है, जनरली डिलीट नहीं करता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर आप पायरेटेड यूज़ करोगे तो इनमें तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो ही सकते हैं। इन सभी के अलावा डेटा चोरी होने का खतरा तो है ही है। जैसे अगर आप स्पेशली नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स तरह तरह के वेबसाइट्स पर एंटर करते हो, तो इस टाइम पे तो आपके लिए खतरा बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइम पे डेटा चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ आपके कंप्यूटर्स में जो पासवर्ड स्टोर रहती है, यहाँ पे ब्राउजर्स के जरिए जो पासवर्ड आपके सिस्टम में स्टोर रहती है, वो भी चोरी होने का खतरा रह ही जाता है। यहाँ पे सिर्फ बैंक्स की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है इनका भी यहाँ पे पासवर्ड, यूजर आईडी वगैरह चोरी हो सकती है इन पायरेटेड गेम्स के जरिए। तो पायरेटेड गेम्स बहुत ही खतरनाक है, सीरियसली बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे पायरेटेड गेम्स ही मैं क्यों कह रहा हूँ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के साथ भी सेम केस है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के साथ भी सेम केस है। पर वहाँ पे उस टाइम पे हमें कभी कभी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो उस टाइम पे हमें कभी कभी कंसीडर करना पड़ता है। पर गेम्स के साथ कंसीडर करना वो मुझे नहीं लगता सही है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, मैं काफ़ी सीरियसली बात कर रहा था। यहाँ पे अगर आप वायरसेस की जो खतरा है इनको छोड़ देते हो, यहाँ पे रैंसमवेयर की जो खतरा है इनको छोड़ देते हो, आप अपने कंप्यूटर में बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हो, तो अगर आपके लिए ऐसा सिनेरियो है तो भी मैं कहूँगा पायरेटेड गेम्स को आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप इन गेम्स को फ्री में खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ऑलमोस्ट आपको सभी फीचर मिल जाते हैं, पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पायरेटेड गेम्स में कभी भी नहीं मिलेंगे। इनमें सबसे पहला है DLC। यहाँ पे DLCs को मिलता है ऑब्वियसली मिलता है, पर जब ओरिजिनल DLC रिलीज करता है उससे 8-9 महीने के अंदर यहाँ पे आप उस गेम में चाहे प्रोग्रेस कर सकते हो, जो गेम आपके पास है इनमें आप प्रोग्रेस कर सकते हो, पर प्रोग्रेस करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8-9 महीने बाद जब DLCs के साथ जब उस गेम की कोई एक नए वर्जन आपको देखने को मिलेगा क्रैक्ड एडिशन के ऊपर, जब कोई एक हैकर उसको क्रैक करता है, तो इसमें जब आपको वो देखने को मिलेगा, तो इस वर्जन को जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, तो इसके लिए जो पुराना वाला वर्जन था उसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा, उसको पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और नए वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा सिनेरियो है। और यहाँ पे जो पुराने आपके सेव गेम्स रहेंगे और सब कुछ चला जाएगा और वापस से आपको फ्रेश खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप एक गेम को परचेस करते हो तो इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो भी आपका सेव गेम्स रहेंगे वो सब कुछ रहेंगे और सिंपली वो गेम अपडेट हो जाएगा नए वर्जन में, और अपडेट हो जाने के बाद आपके जो DLCs वगैरह है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही वो DLCs रिलीज करेंगे इमीडिएटली आप इसको खरीद के खेल सकते हो, आपको 8-9 महीने तक इंतज़ार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और पुराना जो गेम है उसको अनइंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ आ जाता है मल्टीप्लेयर। जो GTA 5 जैसे गेम्स हैं यहाँ पे मल्टीप्लेयर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो पायरेटेड गेम्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आप मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकते, चाहे कोई वेबसाइट आपको कुछ भी बोले, किसी भी वेबसाइट में चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो वो काम नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप किसी तरीके से काम करवा भी लेते हो तो भी उस गेम की जो कंपनी है वो आपको बैन कर देगा। जैसे कि GTA 5 के साथ मेरे साथ पहले हुआ था एक केस कि वहाँ पे रॉकस्टार गेम्स ने मुझे बैन कर दिया। यहाँ पे अगर आप किसी गेम की क्रैक वर्जन में मल्टीप्लेयर खेलोगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो होंगे, उस गेम की जो डेवलपर रहेंगे वो यहाँ पे आपको बैन कर देंगे, सिंपली आपको बैन कर देंगे और आप उस गेम की मल्टीप्लेयर को फ्यूचर में एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ऐसे कहेंगे कि नहीं, मुझे DLCs नहीं चाहिए, मुझे मल्टीप्लेयर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी से लेके ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर्स में कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ गेमिंग करता हूँ। तो अगर आपका ऐसा मानना है तो आपके लिए भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे जब भी आप पायरेटेड गेम्स को डाउनलोड करते हो तो इस टाइम पे आपका इंटरनेट वेस्ट होता है, इंटरनेट आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंटली खर्चा होता रहता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 66 GB का कोई गेम है तो आपका 66 GB खर्चा होगा, राइट? अब यहाँ पे 66 GB आपने खर्चा तो कर दिया, पर यहाँ पे आपने उस गेम को डाउनलोड किया और आप जब उस गेम को खेलना चाह रहे हो तब देख रहे हो कि वो गेम नहीं चल रहा है, आपका 66 GB गया।
और गेम चालू हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि गेम चालू हो गया, ठीक है, पर गेम चलने के बाद कुछ टाइम बाद वो गेम क्रैश कर रहा है, या फिर उस गेम की कोई पर्टिकुलर मिशन क्रैश कर रहा है। जैसे ही उस मिशन पे आप जा रहे हो, गेम ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, या फिर आपका कंप्यूटर ही रिस्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं। तो तब आप क्या करोगे, आपका 66 GB वेस्ट हो गया। अगर आपने उस गेम को पैसे देके ख़रीदा होता, उसके बाद अगर आप 66 GB खर्चा करते, तो शायद आपके लिए वो चीज़ सही रहती। यहाँ पे आपका 66 GB वेस्ट भी नहीं होता, और उस पैसे के रिगार्डिंग आप मज़े भी ले सकते। यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी मैं आपको ये पे बताता हूँ कि कभी कभी ख़रीदा हुआ गेम भी प्रॉब्लम करता है। 1% से भी कम चांसेस रहते हैं, पर कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तब आप क्या करोगे, तब सिंपली यहाँ पे जो उस गेम के डेवलपर है उनके साथ आप बात कर सकते हो। उस गेम के रिगार्डिंग जो सॉल्यूशंस है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे अगर वो सॉल्यूशन काम नहीं करता है, अगर उस गेम में कोई परमानेंट बग है, कोई परमानेंट अगर यहाँ पे बग है, तो उस बग को सॉल्व करने के लिए भी पैच अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको, या फिर जो भी यूज़र्स हैं उन सभी को यहाँ पे पैच अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप एक गेम को ख़रीदते हो तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है। सीरियसली अगर आपके पास पैसा है तो आप एक गेम को ज़रूर परचेस करके ही खेलिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और इसी एग्जांपल के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आप जब किसी थिएटर में जाते हो मूवीज़ देखने के लिए, तब आप वहाँ पे कितना पैसा खर्चा करते हो, 100 रुपये 200 रुपये तक खर्चा करते हो। तो जब आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हो, तो आप इस पैसे से कितना टाइम के लिए एंजॉय करते हो, 2 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे कोई मूवी होता नहीं है। और यहाँ पे जब आप एक अमाउंट पे मनी किसी गेम के ऊपर खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल 2000 रुपये, तो इस पैसे से आप कितने टाइम के लिए उस गेम को एंजॉय कर सकते हो, अनलिमिटेड, जितना आप चाहते हो, जब तक आप बोर नहीं हो जाते। जैसे कि मैंने रिसेंटली Assassin's Creed Odyssey को परचेस किया था, उसके बाद मैंने Tomb Raider को परचेस किया, तो बहुत सारे गेम्स मैंने रिसेंटली परचेस किया है। तो इन गेम्स के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड किया है, और मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। मेरा Assassin's Creed Odyssey के साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 4000 रुपये फालतू में दे दिया था। उस गेम के लिए मुझे जस्ट 2000 रुपये देना था। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। पर यहाँ पे 2000 रुपये में मैं यहाँ पे जो मेरा 2000 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। सिर्फ 2000 रुपये में मैं इस गेम को अभी तक ऑलमोस्ट 96 आवर्स तक खेल चुका हूँ, 96 आवर्स, और अभी भी मेरा यहाँ पे मन नहीं भरा है। मैं उस गेम को और भी खेलूँगा, इस गेम में बहुत कुछ है। तो यहाँ पे ऐसे ही सिनेरियोज होंगे जैसे ही आप कोई गेम को परचेस करोगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मज़ा बहुत आएगा अगर आप एक अच्छा गेम परचेस करते हो। और एक गेम को परचेस करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं गेम अच्छा नहीं है, तो इस गेम को आप सिंपली रिटर्न भी कर सकते हो, और आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपको रिटर्न करना पड़ता है, और उसी के अंदर अगर आप रिटर्न कर देते हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे पायरेटेड गेम्स खेलने की इसी मेंटिलिटी की वजह से हमारे देश में गेम्स नहीं बनती है, या फिर गेम्स को हिंदी में डब नहीं किया जाता है। तो ये टॉपिक फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर टैप कर दीजिएगा। इसी तरह जाएंगे नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।